साहित्य के भीतर ही कंपार्टमेंट जैसा बन गया है। कुछ कहानी समझने वाले लोग हैं, कुछ कविता समझने वाले, कुछ उपन्यास समझने वाले, कुछ अलग अलग विधाओं को समझने वाले। बाकी कलाओं की बात करें तो और भी ऐसे लोगों की संख्या अल्प है, कम है, जो सारी विधाओं को समझ सकें या बता सकें। आप चूंकि बहुत सारी विधाओं के बीच आवाजाही करते हैं, तो ये विधाएँ कैसे एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं? बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि चित्रकला के जरिए कई आंदोलन की शुरुआत हुई जो बाद में साहित्य में आया। तो ये विधाएं आपस में बातचीत करती थी पहले, अब धीरे धीरे इनके बीच में भी जो सोता था, जो एक दूसरे से बहत जाता था यहाँ से वहाँ, वो पुल बन गया और रोक दिया गया, उनके बीच एक बैराज की तरह कुछ बना दिया गया। ये कैसे इसको देखा जाए, कैसे समझा जाए, इसका क्या असर हो रहा है अलग अलग विधाओं पर? ये असर तो खैर सीधा है कि भाई ज्यादातर संगीतकारों को पता ही नहीं होता है कि अच्छे कवि कौन से हैं उनके देश के, उनकी भाषा के। अच्छे कवियों को ये पता नहीं होता है कि उस इलाके के श्रेष्ठ गायक कौन से हैं। ये नर्तकों को, नर्तकियों को ये पता नहीं होता है कि अच्छे कवि क्या हैं, और अगर पता होता है तो उनको गहराई से पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। हम ऐसा समझे कि, और ये हमने मनी कॉल में भी देखा, निर्मल जी में भी देखा, कि इनके लिए सारी कलाएं इनकी अपनी कला का अभ्यास करने के लिए अनिवार्य थी। और हम तो यही समझते हैं कि एक कला में, साहित्य में काम करने के लिए भी आपको सभी कलाओं में की समझ आपकी गहरी होनी चाहिए। मैं जो भी अन्य कलाओं में समझ अपनी कोशिश की, जितनी भी छोटी मोटी, वो सिर्फ कविता लिखने के प्रयास में की। मैं बिल्कुल समझता हूं ये कि आप आज बिना उपन्यास, बिना सिनेमा को समझे उपन्यास नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कि आप सिनेमा की नकल करेंगे, लेकिन जो सिनेमैटिकली संभव है उसको लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि एक नया फॉर्म आ गया है। और रहा ये कि संगीत, तो भरत ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि जो नाटक है उसकी शैया होता है संगीत। तो शैया मतलब जो उसको रूप देता है, उसको आप माइक्रोस्केलेटन कह लीजिए। तो ऐसी कोई कला नहीं है जिसमें संगीत नहीं है। इस तरह भाषा के विषय में आप जानती हैं कि भाषा दो चीजें करती है। एक तो भाषा नृत्य करती है, यानी शब्दों का ऐसा आप खेल करते हैं कविता में कि जो खेल है वो लगभग नृत्य जैसा है। और दूसरा वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, कुछ डिस्क्राइब करती है। ये दोनों तत्व होते हैं उसमें भाषा में। तो संगीत और भाषा और नृत्य जुड़ गए, आपको वो मालूम होना चाहिए, समझते हैं आप उसको। बल्कि वो जो कहानी है, आप सबको पता होगी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि भाई ये एक राजा थे, उन्होंने उनसे पूछा किसी ने कि आपको, उन्होंने एक मंदिर बनाया, तो उन्होंने अपने जो गुरु थे उनसे पूछा कि भाई हमको आप मंदिर में बनाया है तो देव प्रतिमा बनाते हैं कैसे, यानी स्कल्पचर बनाने की शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर देंगे, लेकिन इसके पहले तुम चित्र सीखो बनाना। तो थोड़े राजा धैर्यवान थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चित्र बनाना के पहले उपदेश के लिए, वो चित्र बनाना भी हम तुमको सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले तुमको नृत्य मालूम होना चाहिए, नृत्य क्या होता है। तो उनका अच्छा ठीक है, नृत्य का तो इसका एक बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि हमारे जो चित्र हैं भारत के, उनका जो मॉडल है आकृति, वो डांसिंग फिगर है, जबकि ग्रीक परंपराओं में एथलीट है। तो फिर उनका अच्छा ठीक है, तो आप हमको नृत्य बताइए, नृत्य बताइए। तो नृत्य के पहले तुमको वाद्य संगीत सीखना पड़ेगा। तो उनका ठीक है, वाद्य संगीत सिखाइए। और ये लोगों का अनुभव है, हमारी पत्नी डांसर है अल्पना, वो हमेशा कहती है कि कोई संगीत बज रहा होता है तो अपने आप डांस की इच्छा होती है। तो नृत्य जो है उनका वाद्य संगीत सिखाइए। उनका वाद्य संगीत से कह लें उसके लिए गान सीखना जरूरी है। तो उनका ठीक है, गान सिखाइए। उनका उसके लिए तुमको व्याकरण सीखना पड़ेगा। अब अगर आप याद करिए, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नहीं कहा है
कि शिव के डमरू से व्याकरण पैदा हुई, तो ये सर्कल पूरा हो गया। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये ऐसा एक चक्र चल रहा है। तो हर कला में हर एक कला है। तो आपकी शिक्षा, कवि शिक्षा जो है, और ये हमारे एक पुराना शब्द है, कवि शिक्षा में सभी चीजें आती थी। आप इनको संत कवियों को देख लीजिए, इनके बराबर गुरु ग्रंथ साहब में रागों के नाम लिखे रहते हैं, सुर के यहां नाम लिखे रहते हैं रागों के। और तो इसका अगर आप उनकी कविता सुर की पढ़ें, आप तो कह सकते हिंदी के विद्वान हैं, तो उसमें नृत्य है मौजूद, तो और उसमें चित्र भी बनते हैं वो सब। तो उनका ज्ञान उस तरह का होता है। ये कवि शिक्षा थी, उसे भारत में ही नहीं थी, हर एक जगह होती थी। अब कवि शिक्षा में दो चीज सीखना पड़ती है। पहले तो अच्छे से आइडियोलॉजी आना चाहिए कि लिखना क्या है, और दूसरा लिखने की कुछ जुगत आना चाहिए। ये चूंकि मैंने मनी को देखा कि वो नृत्य पे भी इतने गंभीरता से बात करते हैं, ध्रुपद के तो खुद बड़े भारी शिक्षक थे, मैंने इतना सुंदर उनको वीणा बजाते और गाना गाते सुना, मैं तो खुद सीखा उनसे कई वर्ष। तो सिनेमा की व्यक्ति, साहित्य में इतनी रुचि लेते, नृत्य जानने वाले, संगीत का इतना गहरा ज्ञान, तो इस सब का असर हुआ होगा। और फिर मैंने एक बहुत महान घटना देखी भोपाल में होती हुई, कि एक संगीत की परंपरा के आदिवासी जनगण सिंह श्याम, ये संगीत की परंपरा से आया हुआ लड़का महान चित्रकार बन गया। तो रूस में एक, इस पर मैं पेपर पढ़ने गया था, तो जो भारत के एम्बेसडर थे, जो भारत को वहां प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो बीच सेमिनार में खड़े होके मुझसे बोले, ये कैसे हो सकता है, पेंटिंग की तो शिक्षा हमको लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, तमाम कलाओं में एक दूसरे की शिक्षा निहित भी होती है। तो वो कह रहे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। मैं कहा नहीं, ये हो गया है, अब अपना इंतजार नहीं कर रहा है, समझना हमें सिर्फ इतना है कि ये हुआ कैसे है। और वो महान चित्रकार माना जाता है दुनिया में, 100 मैजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। एक एग्जीबिशन लगी पेरिस में, उसमें भारत से एक चित्रकार था सिर्फ, और वो था जनगण सिंह श्याम, और ये संगीत की परंपरा से आए हैं। तो ये जो रूपांतरण है, ये सिर्फ सिद्धांत पर नहीं है, ये होता रहा है। और सबसे नया भोपाल शहर में भारत भवन में घटी है ये घटना, जिसके विषय में एक मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये क्या आदिवासियों वगैरह को सब इकट्ठा कर रखा है, यहां तो रामायण का मंदिर वो बनना चाहिए, मेला उनको पता नहीं था बनाते कैसे हैं, लेकिन बनाना वही था। और जनगण सिंह जैसी घटना 20वीं शती में ऐसी घटना लगभग नहीं हुई है। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द आर्ट, और उसकी पूरी परंपरा है। उस परंपरा में कम 10 बड़े अच्छे चित्रकार हैं, बड़े चित्रकार हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी है। तो ये रूपांतरण एक कला का दूसरे में होता रहता है।